तो आज ना मैं बाल बाल बचा मेरे जस्ट आगे से तेंदुआ। और गाइस शहरों की लाइफ स्टाइल और गाँव की लाइफ स्टाइल में धरती आसमान का अंतर है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस हम लोग हैं रामनगर में, तो अभी बजे सुबह के 9, तो मतलब एहसास नहीं हो रहा है कि 9 बज रहा है। गांव में तो, घर में तो हम उठते हैं 5-6 बजे उठ ही जाते हैं, यहाँ पे 9 बज रहा है और लग रहा है कि सुबह के भी 6-7 बज रहा होगा। तो आज संडे है तो आज हमें घर भी जाना है। और देखो मेरे बाल की हालत, सारे बाल झड़ गए मेरे। पहले ना मेरे बाल काफ़ी बढ़िया थे यार, सारे बाल झड़ गए। तो अभी उठे हैं और अभी नीचे जाते हैं, फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और घर को निकलते हैं आज। और अभी मैं बेड में ही हूँ, मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ, बहुत लेट हो गई आज। और गैस अभी आ गया हूँ मैं कमरे से बाहर को, और अभी मैं आ गया हूँ सिस्टर लोगों की छत में। तो मैं ऊपर वाले कमरे में सोया था और सिस्टर लोगों का ना जो घर है वो रोड के जस्ट बगल में ही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं घर को। और ये रही पूजा, और पूजा अभी कपड़े पैक कर रही है, घर को चलना है आज। तो अभी देखो हमारा बैग भी पैक हो गया, पूजा ने सारे कपड़े से पैक कर दिए हैं। मेरे कपड़े पैक कर देना है, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे बैग में, तुम बैग भी तो लाए हो अपना भी। तो पैक कर देना जरा उनको भी, और अभी सुबह का नाश्ता भी बन के रेडी हो गया है। तो नाश्ते में है सब्जी और रोटी, तो मेरे लिए भी यहाँ पे नाश्ता आ गया है। और साइड को भानु जी नाश्ता कर रहे हैं, स्कूल नहीं गए आज। अब संडे है आज, अच्छा पढ़ाई करते नहीं करते हो, खाना खा लो चलो जाओ। अच्छा अच्छा, और गाइस ना लड़का बहुत ज़्यादा शैतान है और होशियारी बहुत ज़्यादा है। तो अभी सभी लोग अपने अपने लिए नाश्ता ला के ला रहे हैं। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं घर को, और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, तो अभी सीधे चलते हैं घर को। अच्छा मम्मी जी ठीक है भाई, प्रणाम। आना कभी हमारे घर को अब। हाँ हाँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं तो मितान से यहाँ पर रो रहा है। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो ये? और कहते हैं इसकी तबीयत भी खराब हो रही है अभी, चलो आराम करो, पढ़ाई करना ठीक है। हाँ चलो चलो चलो। तो गए फाइनली हम लोग भी घर पहुँच गए, मतलब अभी घर जस्ट पहुँच ही रहे हैं। और घर में आके गए ना जो सुकून मिल रहा है ना, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पलक ठीक है, तो जीते रहो जीते रहो, चलो। और अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पे वन से सो रखा है, ये देखो। तो नींद आ रही है आपको? कितनी नींद आ रही है? और वंशु को ना हल्की हल्की सर्दी भी लगी हुई है, तो इसकी नाक बह रही है। और अभी मैं वंशु को सुला के आ गया हूँ किचन में, और भूख बहुत तेज की लगी है, तो सबसे पहले खाना खाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे दाल चावल बना के रखा हुआ है हमारे लिए। चावल इतना ही है बस। बस तो मेरे लिए हो जाएगा। हाँ, मैं तो निकाल दूंगा। चलो। और शादी का खाना खाते खाते मैं तो बोर हो गया हूँ। शादी का खाना ना गाइस मेरे पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि शादी में ना बहुत सारी चीजें बनती है जिसको खाने का मन ही नहीं करता है। हमको तो बस सिर्फ दाल चावल चाहिए, गड्ढे की सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए नॉर्मली। तो भी सबसे पहले खाना खाते हैं। तो ये रहा अपना दाल चावल, तो पहले इसे खाते हैं। तुम भी ले आओ कुछ अपने लिए, कुछ बना लो। हाँ बनाओ बनाओ। तो गाइस मैंने खाना पीना भी खा लिया है, और ये रहा मेरी शादी का कोट। तो सबसे पहले कोट को संभालते हैं, क्योंकि अब कहीं शादी में हमको जाना नहीं है, मतलब बराती कहीं नहीं है। तो अभी सबसे पहले मेरा काम है अपने जो भी कपड़े हैं, जो मैं नए कपड़े लेके आ रखा हूँ, और जो एक कोट है इसको संभालना है, क्योंकि फिर ही अगले साल के काम आएगा। और पता है ना मुझे ये कोट फिट आ रहा है, 2 महीने पहले मुझे कोट बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, क्योंकि मेरी हेल्थ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब मेरा पेट बहुत बाहर निकल गया था। दो महीने से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रोज दौड़ रहा हूँ, आज तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं दौड़ रहा हूँ डेली, तो मेरा पेट भी कम हो गया है और मैं फिट भी हो गया हूँ। तो जिस चक्कर से मुझे कोट फिट आ रहा है, तो मतलब अब मैं कोट पहनूंगा। सबसे पहले मैं अपना कोट जो है पैक करता हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में, और वहाँ पे ना सफाई करनी है, बहुत ज़्यादा झाड़ हो रखा है, तो हमने खेतों का काम भी नहीं कर रखा है, उसमें चने बोने ऊपर वाले खेतों में। तो अभी फटाफट चलते हैं खेत की तरफ को। और आज हमने सुबह ही खाना खा लिया, भूख भी नहीं लग रही क्योंकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ घर के पीछे के साइड, तो यहाँ पे मम्मी जी अपने काम में लग रखे हैं। हमने ना गोद और भटकी मनाई कर रखी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कबाड़ हो रखा है, और आज मम्मी उसी की साफ सफाई में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी मैं आई हूँ अपने घर के ऊपर वाले खेत में। तो यहाँ पे जो 2 खेत हैं, इसमें हमने गोद बो रखे थे, और कल ना इसकी जुताई भी हो गई है, और जुताई के बाद बहुत सारी घास हो रखी है इसमें। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ घास की सफाई करने के लिए, और जो
और जो खेत की चारों तरफ की मीड होती है उसकी सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना कल को हम झोल के चने बोएंगे, तो चने बोने से पहले पहले खेत की पूरी अच्छे से सफाई करनी होती है ताकि चने अच्छे से जमे, वरना क्या होगा ना जो घास है इसी में दब जाएंगे सारे चने। और इस साइड की मीड की मुझे सफाई करनी है, पूरी घास काटनी है, और अभी के टाइम पर मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो गाइस अभी हम लोग शादी से घर पहुंच गए हैं और अभी पूजा आ गई खेत में, तो देखो शादी खत्म और अपने काम शुरू। तो अभी पूजा इस खेत की साफ सफाई कर रही है, और गाइस हमको इस खेत में बोने चने, तो पहले इसकी झुलाई होगी, उसके बाद फिर इसकी जुताई होगी, उसके बाद चने बोए जाएंगे। तो पूजा अभी अपने गेटअप में आ गई है, देखो ये शादी में चलते हैं, और कल भी शादी है चलते हो, ऐसा ही होता है। और गए शहरों की लाइफ स्टाइल और गांव की लाइफ स्टाइल में धरती आसमान का अंतर है। शहर में क्या होता है ना, कुछ काम वाम होता नहीं है, लेकिन गांव में हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, शादी भी देखनी पड़ती है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, खेतों के कामकाज भी करने पड़ते हैं, तो सारा कुछ देख के सारा कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अभी हम भी शादी में गए थे, आए खाना पीना खाया, पूजा अपने काम पर आ गई है, और अभी मैं भी खेतों से घर को आ गया हूँ। तो यहाँ पर वंशु भी उठ गया है, और वंशु उठते ही कह रहे हैं मुझसे, पापा मुझे खांसी हो गई है। क्या हुआ वंशु? खांसी हो रही है आपको? कितनी खांसी हो रही है? कुछ खाया आपने? क्या खाया है? भत्तू खाया है। मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। यहाँ उठो पहले, उठो पहले। क्या लाया हो? क्या खाओगे बताओ, आपको क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है। उसके सिवा क्या पसंद है? चॉकलेट लेके आया हूँ। तो गैस इसमें रही वंश की फेवरेट चीज, जो की है लोटो चोकोपाई। ये क्या है देखो? चोकोपाई। क्या है? चोकोपाई। चोकोपाई आपको अच्छी लगती है? हाँ। खाओगे? हाँ। चलो लो। तो गैस ये रही वंश की फेवरेट लोटो चोकोपाई, तो वंश इसको ना अच्छा मानता है। लो आपकी चीज जी। चोकोपाई छीलो। और भी वंशु को लेके आ गया हूँ मैं बाहर। तो मम्मी यहाँ पर कर रही है घोत की साफ सफाई, तो मम्मी अपने कामों पे लगी हुई है। और गैस कल हमने यहाँ पर खेत की जुताई भी की थी, मतलब परसों की थी, तो अभी इसकी झुलाई करनी है, उसके बाद हम यहाँ बोएंगे गेहूँ। तो हमारे पूरे खेत अभी सूखे हुए हैं। भोला है, पापा लाया। झूठ बोलता है। और अभी मैं आ गया हूँ खेत में, वंशु को मैंने खाना भी खिला दिया है, तो पूजा यहाँ पे काम कर रही है। तो पूजा ने खेत की अच्छे से सफाई कर दी है, और जगह जगह पे घास भी इकट्ठा कर दी है। तो पूजा ने जो घास इकट्ठा कर रखी है ना, उसमें आग भी लगा दी है। और अभी पूजा चले गई उस साइड को, वहाँ पे पूजा थोड़ी झाड़ी भी काट रही है। तो अभी हम लोग भी खेत से घर आ गए हैं, और आज हमारे घर में ना साफ सफाई का ध्यान चल रहा है। तो पूजा भी इस खेत की भी सफाई कर रही है, और अभी पूजा ने यहाँ पे आग लगा दी है। तो मम्मी अभी साइड को क्यारी की झुलाई कर रही है। तो गाइस ये है देखो हमारे लहसुन, तो लहसुन भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो मम्मी ने काफ़ी अच्छे से क्यारी बना रखी है, हरी भरी क्यारी हमारी। तो अभी शाम हो गई है, तो अभी मेरे को जाना है दौड़ने के लिए, तो मैं पहले रनिंग करके आता हूँ। और गाइस अभी रात हो गई है, तो मैं रनिंग करके अभी छत में हूँ, और अभी मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था। और गाइस पता है ना, आजकल हमारे गाँव में 2-3 तेंदुए घूम रहे हैं, और आज जब मैं दौड़ रहा था तो एक तेंदुए ने मेरे आगे से रोड क्रॉस करी, तो उसको देख के ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि पीछे से चाचा है हमारे गाँव के, वो आ रहे थे बाइक लेके, तो उनके साथ में बाइक में बैठ के नीचे को आया, और जहाँ से उन्हें रोड क्रॉस करी ना, उनको दिखाया मैंने कि यहाँ से इसने रोड क्रॉस करी है, और वो तेंदुआ वहीं पर बैठा हुआ था। तो मतलब उस तेंदुए को देख के ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो आज ना मैं बाल बाल बचा, मेरे जस्ट आगे से तेंदुआ, मतलब पहली बार इतना बड़ा तेंदुआ मैंने अपने आँखों के सामने देखा, वो भी जंगली तेंदुआ। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो अभी मैं छत में हूँ, और अभी मैंने एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है, अभी जा रहा हूँ मैं नीचे। तो सबसे पहले नहाता हूँ, उसके बाद से फिर पूजा पाठ करता हूँ। तो गाइस अभी रात भी हो गई है, और हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है, और खाने में आज हमने खाया मेथी की सब्जी, दही और रोटी। तो भी वंशु मेरे गोद में बैठा हुआ है, और अभी इसने खाना भी नहीं खा रखा है, तो पूजा इसके लिए खाना बना रही है। तो पूजा वंशु के लिए खाना लेके आ गई है, तो वंशु के लिए बना रखा है पूजा ने गर्मा गर्म दलिया। दलिया खाओगे वंशु? ये देखो ये। तो गाइस कुछ ऐसा रहा आज का हमारा दिन, और तो फाइनली हम लोग भी रामनगर से शादी इंजॉय करके घर पहुंच गए हैं, और घर में और घर पे आके हम लोगों ने काम भी किया खेतों में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय 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 ठीक है।